आपने मड फिल्म का इमरान हाशमी और मलिका का वो हॉट सीन तो देखा ही होगा, जिसे देखकर लोगों की फीलिंग्स जाग जाती हैं। ऐसे सीन देखते समय हम सब ये जरूर सोचते हैं कि फिल्मों में इन हॉट सीन की शूटिंग कैसे होती है। पहले जब इंटीमेट सीन की शूटिंग होती है तो कहते थे कि जिसकी जरूरत नहीं है सेट से बाहर चले जाए, बस जिसका काम है वही रहे। दो लोग कमरे में चाहे कैसे भी रोमांस करें, लेकिन जब कैमरे पर रिकॉर्ड करेंगे तो खुद भी थोड़े नर्वस हो जाएंगे। शूटिंग के वक्त बंदा ये जरूर सोचेगा कि मैं ये सब करते हुए कैसा लग रहा हूँ, मेरे बॉडी पार्ट्स ठीक लग रहे हैं या नहीं, एक्सप्रेशन ठीक हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। इंटीमेट सीन शूट करते टाइम काफी ट्रिक्स हेल्प करती हैं, जैसे अगर कैमरा आपकी बैक साइड लगा है और आपको किस करते हुए दिखाना है तो ये काफी आसान है, आपकी सिर्फ बैक दिखेगी और आपको अपनी गर्दन टर्न करनी है। जब ऐसा कोई सीन आप देखे तो समझ लेना कि ये एक्टर्स किस नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन देखने से ऐसे ही लगता है कि दोनों किस कर रहे हैं। अब दूसरा सीन कुछ इस तरह का होता है, जिसमें फ्रेंच किस के टाइम एक्सट्रीम इंटीमेट सीन शूट करना होता है। अब ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो आपको ऐसे हॉट किसिंग सीन दिखा दे, ऐसे सीन में असली में एक्टर्स ये सीन कर रहे होते हैं। अब किसिंग सीन शूट करते टाइम सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो है आपकी सांसों की बदबू। अब हम हॉट बेड सीन की बात करते हैं, इन्हें शूट करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन सीन को शूट करने में इन सब बातों के बारे में एक्टर्स को पहले ही सोचना पड़ता है और कुछ इस तरह से ये सीन शूट किए जाते हैं। सबसे पहले तो दोनों एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री कैसी है और दोनों एक दूसरे के साथ कितने कम्फर्टेबल है, इससे काफी फर्क पड़ता है। शूट करने से पहले आमतौर पर एक्टर्स एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हैं, ताकि थोड़ी कम हिचकिचाहट के साथ शूट कर सके। इन सीन को शूट करते टाइम कुछ एक्टर्स को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा क्रू मौजूद है। इस बारे में मैंने एक एक्टर से बात भी की और उनका यही कहना था कि जब आप इस तरह के सीन फिल्म के लिए शूट करने के लिए तैयार हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि कितने लोग मौजूद हैं। आपकी फिल्म रिलीज होने के बाद हजारों लोग इसे देखेंगे, ये मेरी जॉब है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कम कपड़े पहनकर खड़े हों तो कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो सीन शूट करने के बाद बोलेंगे, अरे मैडम को कुछ दो भाई। क्यों दो भाई, आप मुझे ऐसे क्यों नहीं देख सकते, मैंने पूरा सीन ऐसे ही आपके सामने आधा दिन शूट किया है, पूरी दुनिया इसे देखने वाली है और आप मुझे अब कम कपड़ों में नहीं देख सकते। कुछ एक्टर्स की डिमांड होती है कि ऐसे सीन शूट करते टाइम जो लोग जरूरी है वो ही मौजूद रहे, ऐसे में 5-10 क्रू मेंबर वहाँ मौजूद होते हैं। करीना कपूर ने फिल्म हीरोइन में अर्जुन रामपाल के साथ इंटीमेट सीन शूट किया था तो वहाँ सिर्फ वो ही क्रू मेंबर मौजूद थे जो बेहद जरूरी थे।